हेलो दोस्तों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मोहित किचन पे। आज हम छोले भटूरे बनाएंगे और हमारा भटूरा बिल्कुल बाजार जैसा फूला फूला बनेगा सिंपल सा ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए आपको रात भर पहले से ही छोले को पानी में भिगो के रखना होगा। ये छोले मैंने रात भर पानी में भिगो के रखे थे। अब हम कुकर में छोलों को पानी से ड्रेन आउट करके डाल देंगे। सबसे पहले हम छोलों को बॉईल करेंगे, तो फ्लेवर के लिए आप 3 से 4 इलायची डाल दीजिएगा, 1 चक्रफूल डाल दीजिएगा और 4 से 8 लौंग डाल दीजिएगा। साथ साथ हमें इसमें पानी भी डालना है, लेकिन पानी हम इतना ही डालेंगे कि हमारे छोले बस पानी में डूब जाए, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा के गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। अब जब तक हमारे छोले कुकर में बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम छोले के लिए मसाले बना लेते हैं। तो मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, साथ साथ अदरक लहसुन लिया है, साथ साथ 2 सूखी लाल मिर्च भी लिया है और 8 से 10 जीरा गोल की लिया है। इसका हमें मिक्सर ग्राइंडर में एक पेस्ट बना लेना है। मेरे कुकर ने 4 सीटी दे दिया और मैंने इसे ठंडा भी कर लिया है। तो अब फटाफट हम छोले को चेक कर लेते हैं और मैं देख लेता हूँ हमारे छोले अच्छे से गले हैं या नहीं। तो छोले को चेक करने के लिए आपको बस एक कंछल से छोले निकालने और थोड़ा सा दबा के देख लेना है। अगर आपके छोले अच्छे से दब जा रहे हैं तो आपका छोला बिल्कुल रेडी है। यहाँ मेरा छोला अच्छे से बिल्कुल दब जा रहा है, यानी कि मेरा छोला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फटाफट अब हम मसाले भून लेते हैं। तो मैंने कुकर में 4 बड़े चम्मच सरसों तेल लिया है। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा सरसों तेल लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच खड़ा जीरा ऐड कर देंगे। जब जीरा सीजल करने लगेगा तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आकार में फाइनली चॉप्ड प्याज ऐड कर दिया है और प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे जब तक प्याज अपना थोड़ा सा कलर ना छोड़ दे। उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंड करके बनाया था, और मसाला को भी हमको अब 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है। मसाले को हम इसलिए भून रहे हैं कि मसाले में से थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, जो अदरक और लहसुन का कच्चापन वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसमें हमारे बॉइल्ड छोले ऐड कर देंगे। तो मैं इस मसाले में छोले को ऐड कर दे रहा हूँ। अब हम छोले को भी थोड़ा सा इसमें भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि छोले थोड़ा सा मसाला को एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ा सा सूख जाए, ड्राई हो जाए। छोले को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले का कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर, उसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और लास्ट में हम 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज करेंगे। ये तीखा नहीं होता है ज़्यादा, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे छोले में। सारे सूखे मसालों को एक बार अच्छे से हम छोले के साथ मिला लेंगे और 30 सेकेंड तक ऐसे ही चला लेंगे। इसके बाद हम लास्ट में इसमें छोला मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच छोला मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास छोला मसाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अब हम इसमें रफली चॉप टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिया है और सारी चीज को अच्छे से मिक्स करके 30 से 40 सेकेंड तक चला लेंगे। तो अब आप जानते हैं, जैसे ही हम टमाटर डालते हैं तो टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए हम नमक डालते हैं। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमने छोले को बॉईल करने में भी नमक ऐड किया। सारी चीज़ को एक बार अच्छे से मिला दें। अब हम छोलों को सारे मसालों के साथ अच्छे से 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, ताकि हमारे सारे मसालों में से कच्चापन निकल जाए और हमारा टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस इसी स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम वही ऐड करेंगे जो पानी हमने चने को बॉईल करने टाइम यूज किया था। तो आप पानी अपने थिकनेस के अनुसार ही ऐड करिए। इसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला डाल के चला लीजिए और फिर हम पानी में 1 बॉईल आने तक का वेट करेंगे। जब पानी में 1 बॉईल आ जाए तो हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे कुकर में 1 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 सीटी लगा के फ्लेम को ऑफ करके कुकर को ठंडा कर लिया है।
अब हम चेक कर लेते हैं हमारे छोले कैसे बने हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं ढक्कन खोल रहा हूँ मुझे बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है फ्लेवरों का। तो देखिए हमारा छोला कितना अच्छा बन के आया। मैं एक बार इसको आपको चला के दिखा रहा हूँ। हमारा छोला बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ। आप छोलों को ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपका ऐसे खाने का मन है। तो ऐसे खाने के लिए आप छोले को एक बॉल में निकाल के सर्व कर लीजिए। इसके ऊपर आप कटा हुआ टमाटर ऐड करिए। इसके बाद फाइनली चॉप थोड़ा सा प्याज भी ऐड करिएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर से गार्निश के लिए धनिया पत्ता ऐड कर दीजिएगा। और बिल्कुल अच्छा टेस्ट के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर और हल्का सा चाट मसाला ज़रूर यूज करिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। तो हमारे ये छोला बन के रेडी है। अब फटाफट हम भटूरा भी बना लेते हैं। चलिए फिर भटूरा की प्रोसेस देखते हैं। भटूरा के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल मैदा लिया है। अच्छा अब भटूरा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच खट्टा दही लिया है। और इसके अलावा हमें थोड़ा सा नमक चाहिए होगा। बस इतना ही चीज़ काफ़ी है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसी से हमारे भटूरे बिल्कुल बाजार जैसे फूले फूले बनेंगे। अब हमें इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लीजिए आप। और इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि ये फर्मेंट हो जाए। 3 से 4 घंटे हो गए हैं और डो अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। तो इसको एक बार और हम अच्छे से थोड़ा सा गूंथ लेंगे। तो अब चलते हैं भटूरा बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तेल जब तक गर्म हो रहा है हम भटूरा को बेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा को फ्लोर पर डस्ट कर दिया है और डो से एक छोटा सा बॉल निकाल लिया है। हम बेलन की मदद से भटूरा को बेल लेंगे। आप इसको गोल भी बेल सकते हैं या फिर लंबा भी बेल सकते हैं। मैं इसे गोल शेप में बेल रहा हूँ। भटूरा को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। मैंने भटूरा को अच्छे से बेल लिया है। आप इसी प्रकार और भटूरा बेल लीजिएगा। तो अब चलते हैं भटूरा को पकाने की प्रोसेस में। जब तेल गर्म हो जाए तो आप इसको इसमें डाल दें और इसे तेल में धीरे धीरे दबाते हुए घुमाते रहें। यही प्रोसेस से आपका भटूरा बिल्कुल फूल जाएगा। बस आप इसे धीरे धीरे दबाते हुए घुमाते रहें। देखिए ये मेरा भटूरा बिल्कुल फूल गया है। बहुत इजी है, आपका भटूरा भी बिल्कुल फूलेगा। बस इसको आप धीरे धीरे दबाते हुए घुमाते रहें। अच्छा जब आपका भटूरा फूल जाए तो आप इसे पलट दीजिएगा और पलट के भी पका लीजिएगा। और इसके बाद इसको निकाल लीजिएगा एक टिश्यू पेपर में ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन आउट हो जाए। यही प्रोसेस से आप सारे भटूरे को बना लीजिएगा। मैं आपको एक और बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक डाल दिया। अब मैं इसे फिर से धीरे धीरे दबाऊंगा और चलाऊंगा। थोड़ी देर में ये भी फूल जाएगा। जब ये फूल जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगा। ये देखिए मैं इसको पलट दे रहा हूँ और इधर से भी थोड़ी देर पका लूंगा और इसे निकाल लूंगा। भटूरा बिल्कुल रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म छोले के साथ सर्व करिए। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।